ध्यान दो बुआ, के सी सिन्हा का नया चैप्टर है, कौन है बुआ? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड क्या है बुआ? डिस्टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई और लंबाई, दूरी। ऊंचाई तो लंबाई होता है, ऊंचाई और दूरी। डिस्टेंस का मतलब दूरी, हाइट का मतलब ऊंचाई। ऊंचाई और क्या है बुआ? दूरी। ऊंचाई और दूरी, और समझना ही है ना? हाँ वही बोलता, सही बोला। लेकिन कभी कभी हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। देखो ये जो है बुआ, इस जमीन भी है, ये क्या है? जमीन ही है या धरती तल है, है ना? या भूमि तल है ना? तो इसी पर ने मीनार खड़ा रहेगा बुआ। मीनार इसी पर ने खड़ा हो सकता है, जमीन पर ने। ध्यान से देखना उसको, ने किताब ने देखना, किताब ने देखना इसको। देखो बता, ये जमीन है या धरती तल है या भूमि तल है? और इसी पर ने जैसे कुछ भी चीज खड़ा रहेगा, मीनार रहे, टावर रहे, चाहे खंभा रहे, चाहे वृक्ष रहे, धरती पर ने रहेगा बुआ, है ना? यह ध्यान देना। तो इसको क्या बोलते हैं, इस रेखा को क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा बोलते हैं। अच्छा, क्षैतिज रेखा एक बार ठेठ भाषा में बुआ, जो सुतल रहेगा वही क्षैतिज रेखा रहेगा, जो सुतल रहेगा क्या रहेगा? हाँ, और उठल जो रहेगा उदाग्र बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उदाग्र बोल, है ना? ध्यान दो, पहले क्षैतिज रेखा है, किस रेखा में हुआ? क्षैतिज रेखा। और यहाँ पर से कोई बच्चा है, वो है जो यहाँ पर से है ने? इसको देख रहा है, तो यहाँ पर से है ने? ये जो है जमीन का ये वो बिंदु है हुआ, जमीन का क्या है? ये बिंदु से है ने? आई मान लो कि टावर मान लो या खंभा मान लो, है ना? मान लो टावर ही, क्या मान लो? टावर मान लिए, एक टावर है, है ना? एक टावर के चोटी को देखता है, किसको देखता है? चोटी। हाँ, टावर के चोटी को देखता है, मतलब ये बच्चा जो है यहाँ से इस बिंदु से इस चोटी को देख रहा है, मतलब नीचे से देख रहा है। कहाँ से देख रहा है ये पहले ध्यान दो, कहाँ से देख रहा है? नीचे से ऊपर से देख रहा है? नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, है ना? ध्यान देना, नीचे से ऊपर देख रहा था ना, तो ये रेखा को मिला दिए, तो इस रेखा को अब क्या बोलेंगे? हाँ, दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे बुआ? दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे बुआ? दृष्टि रेखा। अदृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, इनके बीच एगो कोण बनता है, है ने? एगो कोण बन रहा है, इस कोण को बोलेंगे बुआ उन्नयन कोण। कौन कोण बुआ? कौन कोण रे? उन्नयन कोण बोलेंगे। कौन कोण? तो उन्नयन कोण अब समझ जाना कि नीचे से ऊपर देखने पर, नीचे से ऊपर देखने पर बता कौन सा कोण बनता है, कौन सा कोण बुआ? उन्नयन कोण। हाइट एंड डिस्टेंस में विद्यार्थी को यही समझ में आता है उन्नयन कोण अवनमन कोण है, उन्नयन और अवनमन ही नहीं समझ में आता, इसलिए ध्यान से देखना बुआ। बता नीचे से ऊपर देखने पर कौन सा कोण? नीचे से ऊपर देखने पर, नीचे से ऊपर देखने पर बता इसको क्या बोलेंगे? इसको क्षैतिज रेखा। कौन रेखा रे? क्षैतिज रेखा। ध्यान में रखना, ठेठ भाषा में ध्यान रखना, जो सुतल रहेगा उसी को बोलेंगे क्षैतिज, जो सुतल रहेगा क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा बोलेंगे बुआ। और उदाग्र या उदरवादर, उदाग्र या उदरवादर, उदरवादर ये दोनों जो होता है ने खड़ा रहता है, क्या रहता है बुआ? खड़ा रहता है। उदाग्र बोलो चाहे उदरवादर बोलो, ये खड़ा रहता है बुआ, है ना? आएगा एक आएगा क्वेश्चन में ही आएगा, उदरवादर कभी बोल देगा, कभी उदाग्र बोल देगा, तो समझना ये खड़ा है, इसको रख देना है, ठीक ने? और जो क्षैतिज रहेगा तो क्षैतिज समझना सोया हुआ रहेगा, सुतल रहता है ना, ध्यान दो। तब उन्नयन कोण में दिक्कत, उन्नयन कोण में दिक्कत है ने? अब जानते हैं अवनमन कोण के बारे में जानेंगे। देखो ये कोई टावर है बुआ, है ने? ये टावर है ने? कोई दिक्कत नहीं किया था क्या? रहने दो बुआ, समझना है खाली, चलो रहने दो। ये टावर है बुआ, ये क्या है? टावर। आई देखो ये धरती तल है ने? धरती तल है,
मान लो यहाँ गाड़ी को जा रहा है नहीं, गाड़ी नीचे चल रहा है, मैंने धरती पर कोई गाड़ी चल रहा है, एक टावर है, आई टावर पर से है नहीं, टावर पर से देखता है, इस टावर पर से इस गाड़ी को देखता है, टावर पर चढ़ जाता है, ऊपर से गाड़ी को देखता है, इसे करके है ना, माने ऊपर से देख रहा है ना, नीचे ऊपर से देख रहा है, नीचे देख रहा है, ऊपर से नीचे देख रहा है ना। तो सबसे पहले इसको इस रेखा को छेद रेखा ही बोलने करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, छेद रेखा, क्योंकि सूतल है इसलिए छेद रेखा। और ये ध्यान दो, अरे बताओ ऊपर से नीचे देख रहा है ना, ऊपर से नीचे देख रहा है ना, इसको बोलेंगे दृष्टि रेखा, तो बोलेंगे करेंगे देख रहा है ना, दृष्टि रेखा है ना। आइए ध्यान देना, और ई बुआ इसी के एक समांतर, इसी के समांतर रहेगा है ना, ये रेखा टी भी क्षैतिज रेखा है, कौन रेखा है बुआ, क्षैतिज, क्योंकि सूत्र है उठा रहे थोड़ू रे, बताइए रेखा क्या है, सूत्र नहीं है बुआ, उठल रहता तो ऐसे खड़ा रहता है, क्षैतिज रेखा ये भी है, क्षैतिज रेखा, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच एक कोण बन रहा है, कोण बन रहा है, उस कोण को बोलेंगे बुआ अवनमन कोण, कौन कोण बुआ, कौन कोण बोलेंगे, अवनमन कोण, कौन कोण, ध्यान देना बुआ कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच कौन कोण बना, अवनमन कोण कब बना, जब कोई बच्चा जो है ऊपर से देख रहा था नीचे की ओर, माने ऊपर से नीचे देखने पर, ऊपर से नीचे देखने पर कौन सा कोण बनता है, ऊपर से नीचे देखने पर कौन सा कोण हुआ, ऊपर से नीचे देखने पर कौन सा कोण, ऊपर से नीचे देखने पर, और नीचे से ऊपर देखने पर उन्नयन कोण, कौन कोण हुआ, माने नीचे से ऊपर देखेगा तो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देखेगा तो हाँ अवनमन कोण, और उन्नयन कोण नीचे ही अवनमन, उन्नयन कोण नहीं बनता है, नीचे कौन कौन बनता है, उन्नयन कोण, कौन कौन, नीचे कौन कौन, अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होता है बुआ है ने, अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में क्या होता है बुआ, अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में क्या होता है, हाँ बराबर होता है, अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होता है, अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में क्या होता है, अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में क्या होता है, कैसे बराबर होता है ने, एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से होता है बराबर, एकांतर अंतः कोण से है ने, एकांतर अंतः कोण से माने इसका एकांतर यह हुआ है ने, सप्तम क्लास में पढ़ाए थे ने, है ने, इसके एकांतर यह हुआ, एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से, एकांतर इसके एकांतर यह हुआ, लेकिन अंतः कोण से है ने, माने अंदर वाला कोण से, एकांतर अंतः कोण से आपस में क्या होता है बुआ, बराबर होता है, अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, जब भी बराबर करेंगे इसे करके तो जरूर लिखना है कि एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से, अगर मान लो कि उन्नयन कोण अगर 30 डिग्री दे दिया है तो अवनमन अति जैसे उन्नयन कोण तो दिया रहेगा ठीक है, इसी पर तो बने हुए करेंगे जाने करके, लेकिन मान लो अवनमन को 30 डिग्री दे दिया, कितने डिग्री, तो उन्नयन कोण भी कितना डिग्री हो जाएगा, कैसे होगा, एकांतर अंतर, एकांतर अंतर, एकांतर अंतर कौन से, कोई दिक्कत बता, नीचे से ऊपर देखने पर कौन सा कोण बनता है, ऊपर से नीचे देखने पर, हाँ ऊपर से नीचे देखने पर, लेकिन उन्नयन और अवनमन आपस में क्या होता है, बराबर, कौन सा कोण से हुआ, एकांतर अंतर कौन से, बस इसमें तीनों को सूत्र ध्यान देना, एक पूरा हाइट एंड डिस्टेंस बन जाएगा हुआ, तीन को सूत्र पर केवल, बस ध्यान दो कौन कौन सूत्र हुआ, साइन थीटा पढ़े थे ने, बी बटा एच पढ़े थे हुआ, कॉस थीटा पढ़े थे ने, बी बटा एच, बी बटा एच, और एक और सूत्र हुआ टेन थीटा, कौन थीटा, टेन थीटा, बी बटा बी, बस इसी तीन सूत्र पर पूरा हाइट एंड डिस्टेंस बन जाएगा, यही तीन को सूत्र मत लगेगा बस, और बाकी थ्योरी था, आज समझ में, तीन को सूत्र है, तीन सूत्र तो सबको मालूम है ने, साइन थीटा पी बटे एच, कॉस थीटा पी बटे, टेन थीटा पी बटा बी, ये तीन सूत्र पता है कि नहीं, पता है नहीं, और नहीं पता है तो आधे कर लेना, साइन कॉस टेन आधे होगा, ये तीन सूत्र पर हुआ पूरा जो है हाइट एंड डिस्टेंस बन जाएगा, लेकिन एक चीज और ध्यान देना, हाइट एंड डिस्टेंस में
कि क्वेश्चन पढ़ना बारीकी से, क्वेश्चन पढ़ना और जैसे जैसे पढ़ना वैसे वैसे फिगर भी पढ़ते चल जाना। अगर हाइट एंड डिस्टेंस में जो फिगर समझ के हुआ, फिगर है ने, फिगर पढ़ने के लिए जान गया तो पांच नंबर क्लियर हो गया। पांच नंबर पूछता है इससे हमेशा, एक तो पांच नंबर पूछता है, ये वो हाइट एंड डिस्टेंस है ने, लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है मैथ में पांच नंबर का हाइट एंड डिस्टेंस से, तो फिगर इसमें बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। हुआ बिना फिगर के बनेगा नहीं करेगा है ने, बिना फिगर के नहीं बनेगा, इसलिए ध्यान देना, फिगर का ध्यान देना है ने, बारीकी से देखना ध्यान से, और इसको कंप्लीट करना, इसको लिखना है, नोट करो जल्दी, नोट कर लो। अब थोड़ा सा और ध्यान दो, तो एक चीज और, एक चीज और ध्यान दो, हुआ ध्यान से देखना। मान लो कि वृक्ष है, ये क्या है हुआ, वृक्ष खड़ा है ना, वृक्ष किस पर खड़ा रहेगा, जमीन पर, ये जमीन है, ये क्या है हुआ, ये वृक्ष है ना, और ये ध्यान देना, और ये जमीन के वो बिंदु और वृक्ष के शीर्ष ए हुआ, ध्यान से देखो पहले, थोड़ा सा थ्योरी देख लो आप, ये जमीन के वो बिंदु है, ये जमीन एक ना बिंदु है हुआ, किसका है, ये वृक्ष का शीर्ष, शीर्ष शीर्ष बोलते हैं ऊपर वाला हिस्सा को, तब वृक्ष का शीर्ष और जमीन का एक बिंदु है ना, इसके द्वारा एक कोण बनता है हुआ है ना, माने ये वो 30 डिग्री कोण दे ले, कितना डिग्री हुआ, 30 डिग्री। आइए ध्यान देना, जमीन का जो है, जमीन का ऊंचाई मान लो निकालना है, ऊंचाई क्या करना है, निकालना है, ऊंचाई को h से है ना, ऊंचाई को h से ध्यान देना है ना, ये छोड़ दो, इसे जमीन का ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, मान लो कि ये दिल है मान लो 5 दे दिया है ना, क्या दे दिया, 5 दे दिया है ना, 5 दे दिया, आप पूछ रहा है कि ये वाला निकालना है, क्या निकालना है हुआ, ऊंचाई, जमीन का क्या निकालना है, ऊंचाई, तो इसमें देखो ऊंचाई, इसके सामने कौन सा क्या है हुआ, p, इसके सामने बस वही सूत्र अरे ट्रिग्नोमेट्री वाला, इसके सामने क्या हो जाएगा, बी, आई क्या आता है, बी, और 90 के सामने एच, तो लेकिन हमको जरूरत है क्या, यही ना, यही ऊंचाई निकालना है, तो बता पी और बी में कौन सा संबंध है, पी और बी कौन सा संबंध, देखो बस टेन ठीक क्या, टेन तीस डिग्री, बी और बी कितना दे ले, 5 दे ले है, 10 √3 आई पी बटा B, अब P हमारा क्या है, ऊंचाई निकालन है, तो ये हो जाएगा 5 √3 P निकल जाएगा, P निकल जाएगा, ऊंचाई निकल जाएगा, मतलब कि देखना है P और B में कौन सा संबंध लग रहा है, tan का है ने, B और P में नहीं लगाना है, B और P में cot का उल्टा नहीं, ये सिंपल में ध्यान दो ने, बस sin थीटा P बटा h, cos थीटा B बटा h, tan थीटा P बटा B आएगा, ऐसे भी h बटा P भी आएगा, लेकिन ऐसे हमने चलना है क्या हुआ, P बटा H ही रख रहे ध्यान में, P बटा H, B बटा H, सिंपल में जितना चलेगा उतना अच्छा रहेगा, ज्यादा टेढ़ कावड़ नहीं चलना है हुआ, तो बता इस समझ में आया, P और B में अगर बात के माने छोड़ो, अगर जो है E नहीं निकालना है ना, हमको निकालना है इसको निकालना है, मतलब कि इसका जो है जमीन का बिंदु और वृक्ष का शीर्ष से बीच की दूरी निकालना है, ये दूरी निकालना है, तो बता ये बी है ना, हमको निकालना है एच ने, तो एच ने नब्बे सामने एच, तो बता एच बटा बी ने लगाना है, बी बटा एच लगाना है, बी बटा एच लगाना है, तो बी बटा एच का सूत्र भी जानते हैं, जैसे कॉस का पूरा सूत्र जानते हैं, देखो इसलिए बोलते हैं साइन कॉस टेन में इससे संबंध लगाना हुआ, क्योंकि साइन का पूरा मान जानेंगे, कॉस का भी पूरा मान जानते हैं, टेन का भी पूरा मान जानते हैं, लेकिन कॉसेक से कॉट में दिक्कत हो जाएगा कि नहीं, नहीं कोनो मान में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए जो है जब भी चलना तो साइन कॉस टेन ऐप कर लेना, तो बता बी बटा एच, बी और एच में कौन सा संबंध है बताओ, कॉस थीटा का, ऐसे भी कर सकते हैं, एच और बी भी कर सकते हैं, एच बटा बी सेक का, लेकिन सेक में कुछ मान गड़बड़ा जाएंगे, लेकिन कॉस में कभी गड़बड़ाएंगे नहीं, तो इसलिए हम बताने के लिए सिंपल वे में, जितना सिंपल से सिंपल चल सकता है हुआ है ना, चलिए